हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेडी एंड वर्षु। और आज हम फिर से एक बार आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। और आज भी हम अनबॉक्स करेंगे एक नया प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं उसका नाम है सैमसंग टैब A7 का बुक कवर। तो बेसिकली हमने आज अपने टैबलेट के लिए एक बुक कवर मंगवाया है जिसको हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे इसकी क्वालिटी कैसी है। सैमसंग का बुक कवर मंगवाने का यही मकसद था कि हम इसको कंपेयर कर सकें मार्केट में जो लोकल कवर्स मिलते हैं, क्या ब्रांडेड कवर्स बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं या नहीं। तो आइए जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये कवर कैसा है। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे हम मोटिवेट होंगे और फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे आपके लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी नीट एंड क्लीन पैकिंग है। ब्रांडेड कवर होने के कारण लग रहा है कि क्वालिटी अच्छी होगी इसकी। ग्रे कलर में मंगवाया है क्योंकि मेरा टैबलेट भी डार्क ग्रे कलर में है। ओवरऑल पैकिंग तो ज़बरदस्त है, जैसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैमसंग जैसी ब्रांड से। सारा कुछ है नहीं, अब इसको पैकिंग से निकाल के देखते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। बेसिकली लेदर क्वालिटी जो पर यूज़ किया हुआ है, वो लेदर या जो भी मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है और प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है। तो मैं देख पा रहा हूँ पीछे बुक कवर का प्राइस दिया हुआ है जो कि 5,000 रुपये है। लगभग लगभग 4,500 रुपीज़ का है ये, और मेरे को डिस्काउंट पे मिला है तो आई थिंक 1,850 रुपये का पड़ा है मेरे को ये। आपको मार्केट में 500 रुपये के भी कवर मिल जाते जो आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से मंगा सकते थे, बट मैंने ये सैमसंग से डायरेक्टली मंगवाया है। अगर आप सैमसंग A7 टैबलेट खरीदते हैं तो उस पर ऑफ़र चल रहा है 50% ऑफ का। तो सैमसंग की वेबसाइट पे ये कुछ 3,700 रुपये का था और मेरे को 1,850 रुपये का पड़ा है। तो कवर को हम निकाल लेते हैं। बहुत ही बुरी तरह से मैंने निकाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फाड़ दिया मैंने। बट एनी विच वेज, हमें इस बॉक्स की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको साइड में रख देते हैं और अपना कवर देखते हैं। ये एक फोल्डिंग कवर है। फोल्डिंग कवर डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। ये बुक कवर है और इसमें एक थ्री फोल्ड कवर भी आता है जो कि लोकल मार्केट में मिलेगा आपको। सैमसंग नहीं देता, सैमसंग सिर्फ बुक कवर देता है। तो मैंने सैमसंग का ओरिजिनली लिया है ताकि मेरे टैबलेट को कुछ नुकसान ना पहुँचे। एंड देखने में फर्स्ट इम्प्रेशन आई कैन टेल यू दैट दिस इज़ अ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट। तो पूरे पैसे वर्थ है इस पे जो मैंने स्पेंड किया है। आई वोंट रिग्रेट इट, आई एम श्योर। जिस तरीके की क्वालिटी मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सैमसंग की ब्रांडिंग भी दी हुई है। सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 आप देख सकते हैं। ये प्लास्टिक क्वालिटी भी छूने से समझ में आ रहा है कि बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का है। ओवरऑल ये देखने में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कट दिया हुआ है जिससे कि आप अपने टैबलेट को डिफरेंट स्टाइल में स्टैंडिंग पोजीशन पे रख सकें। और अगर आप मूवी वॉच कर रहे हो या आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे आपको टैबलेट इस पोजीशन में रखना है, तो बहुत ही आराम से आप उसको रख सकेंगे, अपना काम कर सकेंगे। तो आइए जल्दी से इसमें अपना टैबलेट फिट करके देखते हैं कि ओवरऑल कैसा लगता है टैबलेट फिट होने के बाद। तो जनरली मैं बुक कवर्स लेता नहीं हूँ या फ़ोन पे या मोबाइल पे कवर्स चढ़ाता नहीं हूँ, बट क्योंकि ये टैबलेट मैंने अपनी मॉम के लिए लिया था तो मैंने सोचा कि इस पे कवर चढ़ा दूँ ताकि उनको यूज़ करने में आसानी रहे। टैबलेट्स के कवर्स जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मिलते हैं उनकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग नहीं होती है, बट ट्रस्ट मी, इसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। और अगर आप कवर लेने की सोच रहे हो तो फॉर श्योर आप सैमसंग का ब्रांडेड कवर लो। आई कैन बेट यू किसी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। और जनरली टैबलेट की लाइफ 3 to 5 ईयर्स होती है, तो ये वर्थ इट है इस पैसा स्पेंड करना। आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से लोगे तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी और बार बार पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 500 800 रुपये। उससे अच्छा है कि आप एक बार में अच्छा कवर लो जो काफ़ी टाइम तक चले और कोई दिक्कत ना आए।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अपना टैबलेट फिट कर लिया है इसमें बुक कवर में। तो आप इस बुक कवर को ओपन करके देखते हैं कि हमारा टैबलेट ऑटोमेटिकली अनलॉक होता है कि नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने अपना बुक कवर ओपन किया और टैबलेट ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गया। याद रहे, अगर पासवर्ड रहेगा तो अनलॉक नहीं होगा। इसमें पासवर्ड नहीं लगा है तो वेकअप हो गया, बेसिकली इसको वेकअप फीचर कहते हैं। तो जैसे ही मैंने बुक कवर बंद किया, टैबलेट स्लीप में चला जाएगा, और जैसे ही आप इसको खोलोगे तो वापस टैबलेट वेकअप मोड पे आ जाएगा। सो एक दो फीचर्स और हैं इस कवर के, हम देख लेते हैं कि स्टैंडिंग पोजीशन पे ये कैसा लगता है, फिट कैसा होता है एंड बैलेंस कैसा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने टैबलेट को यहाँ पे कवर पे स्टैंड पे लगा दिया है। अब इसमें एक खासियत है, यहाँ पे दो मैग्नेट लगे हुए हैं, तो आप उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा टिल्ट नहीं चाहिए तो आप पीछे वाले मैग्नेट पे लगा सकते हो, जिसमें कि स्क्रीन एकदम सीधी रहेगी। और थोड़ा अगर टिल्ट चाहिए, बैठ के काम कर रहे हो, तो आप थोड़ा आगे वाले पे लगा सकते हो। मैग्नेट काफ़ी स्ट्रांग है तो ये टैबलेट गिरेगा नहीं और इसी पोजीशन पर रहेगा, तो काम करने में बहुत ही आसान रहेगा। सो वंस अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई टैबलेट कवर सोच रहे हो तो ज़रूर इसको चेकआउट करो, और अगर आपकी ये बजट में आता हो तो आई वुड सजेस्ट कि ले लो। अगर बजट में नहीं भी आता है तो भी ये बुक कवर ले लो, क्योंकि इस बुक कवर को लोगे तो आप पछताओगे नहीं। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है और ये एक जेन्युइन रिव्यू है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।